हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज है 4th of April। आज चलिए देखते हैं क्या खुराफात किया जाए। कुछ ना कुछ तो खुराफात हम करेंगे ही आज। इस साल हो गया देखो एकदम लकड़ी हो गया है, या होता है रबर, अगर ये अच्छे क्वालिटी का रबर होता है ना, मैंने नायलन का, तो ये नहीं होता। ये इसकी स्टेपनी की जगह। अच्छा, यहाँ पेंट कर दिया आपने। हाँ। अरे देखो कितना अच्छा लग रहा है नीचे, देखो पूरी डिटेलिंग में जो है गाड़ी की जो है पेंटिंग की गई है। मतलब हर एक कॉर्नर को यूज किया गया, कोई भी कॉर्नर छोड़ा नहीं गया, और अभी भी काम चल ही रहा है इस पे। ये देखिए दरवाजों के कॉर्नर कॉर्नर में एकदम पूरा रीपेंट कर दिया गया है हर जगह, क्योंकि टाइम है और टाइम का प्रॉपर सदुपयोग हो रहा है इस वक्त। मेरी बाइक खड़ी है, मैं सोच रहा हूँ मैं भी इसको पेंट कर दूँ। इसका जो ये फाइबर वाला जो पोर्शन है, ये ब्लैक वाला जो कि खराब लग रहा है देखने में, ब्लैक पेंट है भी और टाइम भी है अपने पास, और जहाँ जहाँ ब्लैक की जरूरत है वहाँ वहाँ ब्लैक पेंट भी कर देंगे हम इसको। अब जो जो इसका ब्लैक पोर्शन है, जैसे ये हो गया साइड का, ये कवर दे रखा, ये इसका जो पोर्शन है ब्लैक वाला, ये है इसकी बैक लाइट, और ये इसको ब्लैक करेंगे हम। अब हम खोलते हैं इसका जो फ्रंट का वाइजर है वो, और ये जो इसका एग्जॉस्ट है इसको भी पेंट करना है हमें ब्लैक। तो अभी काम को देते हैं लगाम, क्योंकि रामायण स्टार्ट हो गया है। अब मिलते हैं रामायण के बाद में। लक्ष्मण जी भैया, भागा भागा भागा। अरे भाग रहा, पकड़िए उसको भाई। दोस्तों दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये टॉर्टोइस, और ये देखिए ये है इनके नीचे का हिस्सा, ये पूरा जो है शेल, एक हार्ड शेल होता है बेसिकली। अब डाल देते हैं इसको पानी में, चलो अपने भाई के साथ चलो। चलो जब्बू क्या कर रही हो? आलू बड़ी। और आपके लिए पनीर की भुर्जी। वाह, पुत्र प्रेम मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर हमें, बहुत ही आनंद। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ मुझे भी अपनी टंकी चेक करनी चाहिए, कितनी गंदगी है उसमें इकट्ठा हो रही है। चलिए चलते हैं। और ये है चार टंकियाँ, खोल करके चेक करना पड़ेगा इनको। तो ये है टंकी, उतनी गंदगी तो नहीं है नीचे से, लेकिन ऊपर तो ये काई जमी हुई है पूरी। टंकी नंबर 3, इसकी भी हालत वैसे ही है। टंकी नंबर 4, ये लगता है कुछ ज्यादा ही साफ टंकी है। तो बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न तो नहीं है, लेकिन एक बार साफ करना तो बनता ही है इन सबों को। चलिए नीचे चला जाए और थोड़ा सा स्नान ध्यान भी किया जाए। तो गाइस मैं नहा धो करके हो चुका हूँ रेडी, अब करते हैं अपना पेंटिंग का जॉब। उससे पहले थोड़ा सा खाना खा लें। मैं जा रहा हूँ बनाने इसका ऑमलेट। A few moments later. तो गाइस पेंट करने के बाद मैं चला गया था सोने, 2 घंटे सोया हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना शाइन मार रहा है ये कर दिया मैंने, ये साइलेंसर इसका, और ये है इसके हेडलाइट का प्लास्टिक, और ये है डब्लू। डब्लू के पास कोई काम था नहीं है। कितना पुराना है ये? मुझे तो होगा 90s का। हाँ 90 का ये, और पहले का। ये जो ग्रिल रखा है ऊपर कर दें, यहाँ कोई जरूरत तो है नहीं। तो अरे देखने में अच्छा ही लग रहा, और क्या। जो कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ओए होए ओए होए ओए होए होए, ये मंजिले है कौन सी, ना वो समझ सकी ना हम। डब्लू की जो है खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कहाँ चलें? वहीं
जहाँ कोई आता जाता इनको वहीं जाना जहाँ कोई आता जाता नहीं है। देखो ये ऊपर एक स्टोर रूम बना है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं, यहीं चलते हैं ठीक है। लोग कह रहे हैं पीछे चलते हैं पार्क में वॉक करने के लिए। तुम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो, गुड। एक वहाँ है एक यहाँ है। जब लोग फिर से बिना मास्क के निकले हुए हैं, फिर लोग कमेंट करेंगे उल्टा सीधे भाई साहब मास्क नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाया। हम ही दो लोग हैं रोड पे। मास्क लगाना मुझे वाकई में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा सफोकेशन होती है, बहुत ज्यादा मजबूरी हो तभी लगा सकता हूँ मैं, वरना मैं उसको नहीं पहन सकता। आइए हम घुसते हैं पार्क के अंदर। वो लाइटें जल गई दोस्तों, वाओ। चबूतरा टाइप का ये गड्ढा टाइप का बना रखा है जो पत्ते वत्ते होते हैं उनको जलाने के लिए। वाओ व्हाट अ ब्यूटी। तब ये पार्क इतना अच्छा नहीं था, अभी तो काफी मेंटेन करते हैं दोस्तों। ये देखिए मच्छर कितने उड़ रहे हैं, बाप रे, टू मच मॉस्किटोज। ऐसी शांति कहीं और नहीं मिल सकती है, नहीं डब्लू, एकदम शांत। यहाँ के लोग बहुत तहजीब वाले एक मीटर का सब बनाए। डब्लू ये देखो योगा कर रहा था, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया मेरी वजह से बेचारा डिस्टर्ब हो गया, ऐसे योगा कर रहा था। दोस्तों आप लोगों को चांद दिखाता हूँ, मून मतलब इतना क्लियर दिख रहा है यहाँ से, मतलब जो उसका स्पॉट होता है जो रैबिट की तरह का जो शेप बना रहता है मून में, मतलब मुझे नॉर्मल दिख रहा है यहाँ से। मैं कैमरे से जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, नहीं आ रहा दोस्तों। देखिए इन बेजान जो जीव हैं बेचारे, इनमें कितनी समझ है, ये भी समझ चुके हैं सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब। एक बेचारा यहाँ पर बैठा है, एक वहाँ बैठा है, ये देखिए दोनों कम से कम एक मीटर की दूरी, ये एक मीटर है, ये कम से कम जो है 3 मीटर का डिस्टेंस है ये, और हम इंसान हैं जो कि इस बात का मतलब नहीं समझ रहे। अभी एक लोग, तीन लोग एक बाइक पे जा रहे थे, हाँ एक बाइक पे तीन लोग अपना चिपक करके जा रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सब चीज़ का। देखिए दोस्तों मच्छर जो है जा चुके हैं इस वक्त और अभी नहीं है यहाँ पर, मुझे लगता है पहले ये मीटिंग कर रहे थे यहाँ पर कि अब शाम हो गई है, अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, और किसके घर चलना है किसके घर धावा बोलना है। तो सारी टीम जो है निकल चुकी है, अब सबका एरिया बटा रहता है, तुम इस वाले एरिया में, तुम इस रो में, तुम उस रो में, रात भर काटो रात भर खाओ सुबह मिलेंगे। डब्लू गोल्डन पीरियड है ये, ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा तुम्हें। ये बात तो सही है, ऐसे समय के लिए मैं बहुत तरस रही थी। और मोदी जी ने ऐसा किया कि कोई कहीं नहीं जाएगा, वरना आपकी छुट्टी में भी आप सुबह निकल जाते हैं और रात में घर वापस आते हैं। कैसी लग रही है पटपटिया? ठीक तो लग रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई नौसुखवा पेंट किया। और यहाँ बाइक हो चुकी है रेडी, इसको करेंगे देखना फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छी फिनिश तो नहीं आई है दोस्तों, लेकिन ठीक है यार, तो हो गया धूल मिट्टी चिपकी। चलो काम चलाऊ तो हो गया, उसमें धूल चिपकी हुई थी, धूल से तो बेटर दिख रहा है अब तो। दोस्तों आज रात 9:09 के लिए आप लोगों को दिए, टॉर्च, मोबाइल की जो लाइट होती है सब कुछ जलाना है। जला करके क्या करना है? कुछ नहीं, अरे कोरोना को भगाना है भाई, दीप प्रज्वलित करके हम लोग कोरोना को भगाना है। कैसे? गो कोरोना गो।